हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट्स। सो माय वन टेक्नोलॉजी कोर्स में दिस इज द 8th टॉपिक, शेल प्लान एंड लेआउट ड्राइंग ऑफ माय वन। सो इन दिस कंप्लीट शेल प्लान एंड लेआउट आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि माय वन की जो पूरा कंप्लीट शेल प्लान है, ये शेल प्लान कैसे बनता है, किस टाइप से इसको रीड करते हैं, डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट जो है शेल प्लान प्रिपरेशन, इरेक्शन ड्राइंग, माय वन जो मॉकअप होता है ऑन साइट, तो उसके लिए हम लोगों को ड्राइंग्स रिसीव होती है वेंडर के तरफ से, जो भी वेंडर होगा तो उसको बोलते हैं शेल प्लान। तो ये जो शेल प्लान है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम लोग स्टडी कर दें। लाइक आर्किटेक्ट ड्राइंग, आपकी जो भी फ्लोर प्लान होगा, टिपिकल फ्लोर प्लान होगा, उसका आर्किटेक्ट ड्राइंग फाइनलाइज होगा। फाइनल आर्किटेक्ट ड्राइंग्स में ये डिटेल्स होगी, टिपिकल फ्लोर प्लान जिसमें आप लोगों का एरिया, लेंथ, विड्थ, वॉल साइज सब डिटेल में गिवेन होगा। सेकेंड होगा टिपिकल फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट होगी, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, ये पूरा डिटेल में आप लोगों को आर्किटेक्ट ड्राइंग में गिवेन होगा। डोर एंड विंडो ओपनिंग शेड्यूल्स, जो बीम की बॉटम्स होती है, वॉल में जो भी ओपनिंग्स होगी, ये डिटेल देना है, जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो शेल प्लान है उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे, प्रिपरेशन होंगे। अगर आप लोगों का यहाँ पे अगर इनपुट मींस आर्किटेक्ट ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग में अगर कुछ मिस्टेक्स होगी तो शेल प्लान रॉन्ग बनेगा। तो ये आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करना है शेल प्लान प्रिपेयर होने से पहले। लीजेंड्स शोविंग वॉल डिटेल्स, एलिवेशन डिटेल्स, रिफ्यूज फ्लोर एरिया, रिफ्यूज फ्लोर जो एवरी 8th फ्लोर, अप्रोक्सीमेट 8th फ्लोर 7th फ्लोर में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये रिफ्यूज फ्लोर की भी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करना है। आप लोगों को आर्किटेक्ट ड्राइंग्स में ये सब डिटेल्स है आप लोगों को प्रोवाइड करना है। जितनी भी डिटेल्स आप लोग प्रोवाइड करेंगे वो डिटेल में प्रोवाइड करना है। ये जो शेल प्लान प्रिपेयर होने वाला है ये प्रॉपर होगा। सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर सपोज कॉलम की विड्थ और डोर और विंडो समथिंग कुछ रॉन्ग अगर दे दिया, तो शेल प्लान एंड माय वन का जो ड्राइंग है वो मैन्युफैक्चरिंग भी रॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोगों को एग्जीक्यूशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो आप लोगों को ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेसी में प्रोवाइड करना, एंड बिफोर एग्जीक्यूशन ये सब आप लोगों को फाइनलाइज करना है। एंड सेकेंड है एलिवेशन डिटेल्स, यहाँ पे एलिवेशन के फिन्स है, एलिवेशन में पर्दी अगर कुछ ग्रूव्स है, ये सब छज्जाज है, टॉप जो होता है लिफ्ट मशीन रूम उसमें कुछ एलिवेशंस आ रहे हैं, ये सब आप लोगों को एलिवेशन ड्राइंग में मेंशन होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आरसीसी ड्राइंग के बारे में। आरसीसी ड्राइंग में क्या होगा, आप लोगों की ये हो गई आर्किटेक्ट ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग में आप लोगों को स्लैब एंड बीम शेड्यूल, आरसीसी में स्लैब यहाँ पे देखेंगे, ये एक स्लैब है, तो ये वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है, ये पूरा शेड्यूल आप लोगों को देंगे। एंड ये जो बीम्स हैं, ये बीम की पूरी डिटेलिंग होगी, मींस पूरे जो फ्लोर प्लान होगा, फ्लोर प्लान की कंप्लीट डिटेल होगी, ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आरसीसी डिटेल ऑफ ऑल मेंबर्स, लाइक बंड वॉल्स है, आप लोगों की कुछ फिन्स अगर जा रही है, इसकी डिटेल्स आप लोगों को हर एक डिटेल आरसीसी ड्राइंग एंड आर्किटेक्ट ड्राइंग के कंपैरिजन में आप लोगों को प्रोवाइड करना है शेल प्लान प्रिपरेशन के लिए। सपोज कीजिए अगर आप लोगों की 500 की बीम की विड्थ है, डेप्थ है, एंड आप लोगों ने गलती से 600 कर दिया है, तो आप लोगों का फॉर्मवर्क मोल्ड बनेगा, बीम की जो साइड की प्लेट्स है वो डिफरेंट बन जाएगी, मेकिंग डिफरेंट हो जाएगा, तो आप लोगों को ये सब डिटेल्स एक्यूरेसी में देना है। एमईपी ड्राइंग, डेफिनेटली अब माय वन जो है 100% माय वन होते हैं, जिसमें हम लोग पहले जो कन्वेंशनल होता था ब्रिक वॉल कहते थे और ब्लॉक की वॉल्स कहते थे, उसमें हम लोग झरी मारते थे, एंड झरी मार के उसको पाइप्स हम लोग को कंड्यूट्स प्रोवाइड करते थे कंसील्ड पाइपिंग के लिए,
बट यहाँ पे जो झरी वर्क है यहाँ पे ग्रूव्स की हेल्प से होता है, प्लम्बिंग के ग्रूव्स है। तो आप लोगों के बाथरूम्स में किस टाइप से लाइन जाने वाली है, डाउन टेक लाइन है कौन सी है, प्लम्बिंग की लाइन्स कहाँ से जाने वाली है, ये सब आप लोगों को क्लियर रखना है। ड्रिप मोल्ड डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करना है, और स्लीव्स जो होते हैं स्लीव्स की भी डिटेल्स है, जो फायर फाइटिंग की लाइन्स होगी तो किधर से पास होने वाली है, ये कंप्लीट डिटेल आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करना है। कटआउट्स है, शाफ्ट होते हैं, डक्ट है, तो ये डक्ट का आप लोगों को प्रॉपरली डिटेल्स प्रोवाइड करना है। तो ये कंप्लीट शेल प्लान प्रिपेरेशन के लिए आर्किटेक्ट ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग, एमईपी ड्राइंग की कंप्लीट डिटेलिंग है, आप लोगों को शेल प्लान प्रिपेरेशन में रिक्वायर्ड है। एंड ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अगर ये कोऑर्डिनेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों का शेल प्लान प्रॉपर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जोनिंग ऑफ प्लान। अब क्या हो गया, आप लोगों ने कंप्लीट ड्राइंग डिटेल्स दे दिए, आप लोगों का शेल प्लान प्रिपेयर हो चुका है। शेल प्लान प्रिपेयर होने में ड्राइंग में क्या क्या डिटेल्स होती है ये बात देखिए आप। ये जो है एक फ्लोर प्लान है, टिपिकल फ्लोर प्लान है, एंड ये टिपिकल फ्लोर प्लान की ये बाउंड्रीज है, ये पेरीफेरी है। इसमें आप लोग देखेंगे छज्जाज है, डक्ट है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये स्टेयरकेस हो गई, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है छज्जे हैं, ये आप लोग देखेंगे जो भी ये छज्जेज हैं, ये सेकेंड स्टेयरकेस है, ये जो है ये लिफ्ट है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है डक्ट एरियाज है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये डक्ट एरियाज है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पार्ट में आप लोग देखेंगे ये पार्ट में सर्विस स्लैब है। तो आप लोगों को हर एक चीज प्रॉपर प्रोवाइड करना है एंड ये एक शेल प्लान बनेगा। एंड ये सेल प्लान के बेसिस पे हम लोगों की फैब्रिकेशन वर्क स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कंप्लीट शेल प्लान है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं यूनिट्स में, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इसको नोटेशंस देना, तो इसको सब डिवाइड, ये कंप्लीट जो की प्लान होता है उसको सब डिवाइड करते हैं, तो इसको जो सब डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट्स। तो लाइक यहाँ पे आप लोग देखेंगे यूनिट जो है यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, यूनिट डी, यूनिट ई, एफ, जी, एच, डिफरेंट एंड यूनिट एल, लिफ्ट लॉबी, ये पूरा कंप्लीट आप लोग जोनिंग ऑफ प्लान करेंगे। एंड जोनिंग करने के बाद में यहाँ पे एक पॉइंट्स है, 300 mm लेस ओपनिंग नॉट पॉसिबल इन MyOne पैनल्स। जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है MyOne प्लेट्स, डी शटरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो ये कुछ जो पार्ट्स है जो स्मॉल कटआउट्स होते हैं वो हम लोग कन्वेंशनल प्लाई में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोगों को ये सब ध्यान रखना है। एंड चेक ऑल द अपस्टैंड ओपनिंग्स, ड्रॉप पर दी डक शाफ्ट विथ आरसीसी एंड आर्किटेक्ट ड्रॉइंग, ये आप लोगों का कंपैरिजन हो जाएगा। इसके बाद में जो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स को हम लोग सब डिवाइड करते हैं, किसमें यूनिट्स को भी सब डिवाइड करते हैं, लाइक E1, E2, E3, E4, E5, जितने भी स्मॉल सपोज करो रूम्स जो बनता है, अगर एक बेडरूम है तो बेडरूम में भी डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, जिससे क्या होगा यहाँ पे आप लोगों की फ्रंट वॉल, साइड वॉल, लेफ्ट राइट, बैक साइड वॉल और एक्सटर्नल साइड आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इस टाइप से आप लोगों को सब डिविजन्स करना है यूनिट्स की। आप लोगों को ये कंप्लीट डिटेल में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, आप लोगों को कंप्लीट ड्रॉइंग्स भी बताने वाला हूँ किस टाइप से ये ड्रॉइंग्स हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेआउट्स, अब हम लोगों ने यूनिट सबसे पहले प्रिपेरेशन देख लिया, साथ में सब यूनिट्स जोनिंग डिवीजन देख लिया। अब यहाँ पे लाइक हम लोग जब आरसीसी की ड्राइंग स्टडी करते हैं तो आरसीसी की ड्राइंग में क्या क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग देखेंगे आरसीसी ड्राइंग में 2-3 ड्राइंग्स है जो कंपलसरी होती है, लाइक हम लोगों की एक जनरल ड्राइंग होती है, जनरल ड्राइंग आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंड होता है हम लोगों का प्लान, ये प्लान में बीम स्लैब का प्लान दिखेगा। थर्ड जो होता है हम लोगों का शेड्यूल में हम लोग साइजेस देखेंगे एंड नंबर ऑफ बार्स कितनी है, टॉप में बार्स कितनी है, बॉटम में बार्स कितनी है, ये जो डिटेलिंग है ये डिटेलिंग हम लोगों को आरसीसी ड्राइंग में मिनिमम ये आप लोगों को फॉलो करना ही है।
ये आप लोगों को फॉलो करना है। सेम चीज क्या होती है, सेम चीज होता है इसमें माय वन में भी एक ड्राइंग अवेलेबल नहीं होती है। कंप्लीट शेल प्लान को रीड करने के लिए डिफरेंट ड्राइंग्स रिक्वायर्ड होती है। मैं आप लोगों को डिटेल में ये सब बताने वाला हूँ, आगे ड्राइंग्स भी देखेंगे। ओनली शेल प्लान एंड लेआउट के 4 पार्ट्स है, 4 एपिसोड्स है, तो ये आप लोगों को बेसिक ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे मैं डिटेल में आप लोगों को डेडिकेटेड ड्राइंग रीडिंग्स बताने वाला हूँ, तो आप जस्ट बेसिक अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे किकर लेआउट, मैं ऑलरेडी आप लोगों को हर एक कंपोनेंट डिटेल में बता चुका हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ माय वन प्रीवियस वीडियोस में। तो ये किकर लेआउट होते हैं, इस टाइप से पूरा प्लान होगा एंड प्लान में पर्टिकुलर लेआउट की पर्टिकुलर डिटेल्स होगी। लाइक आप किकर लेआउट देख रहे हैं, तो किकर लेआउट में ये पूरे प्लान में कितने किकर लगने वाले हैं विथ साइजेस, आपको साइजेस भी अवेलेबल होगी। तो ये साइजेस के साथ में ये प्लान में डिटेल्स गिवन होगी। लाइक किकर का आपने देख लिया, नेक्स्ट होगा वॉल लेआउट, हो गए बीम साइड लेआउट, होगा सॉफिट लेआउट, हो गए डेक लेआउट, कॉर्नर्स लेआउट, मिसलेनियस लेआउट, एलिवेशन, स्पेशल पैनल लेआउट, ब्रैकेट्स एंड स्पेशल लेआउट। आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 10 ड्राइंग्स जो है रीड करना है कंप्लीट मॉकअप के लिए। 10 ड्राइंग्स है जो आप लोगों को रीड करना है, 10 ड्राइंग्स है आप लोगों को रीड करना है कंप्लीट एक शेल प्लान में। तो ये शेल प्लान में कंप्लीट हम लोग देखेंगे किकर लेआउट क्या होता है, वॉल लेआउट होता है नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये कोर्स बाय करना है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स में 25+ डेडिकेटेड वीडियोस है जो आप लोगों को माय वन शटरिंग में एक्सपर्ट बना देगी। आप लोगों को एक भी पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों के लिए नहीं रखने वाला हूँ कि आप लोगों को उसका नॉलेज नहीं होगा।